जिंदा है खूंखार माओवादी कमांडर हिड़मा। पुलिस के टारगेट से बचकर निकल गया हिड़मा। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई थी मुठभेड़। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना राज्य की सरहदी इलाकों में हुई थी मुठभेड़। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीते बुधवार 11 जनवरी को प्रदेश के सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना राज्य की सरहदी इलाकों में माओवादी कमांडर हिड़मा की बटालियन के साथ जवानों की मुठभेड़ चलने की खबर सामने आई। इस मुठभेड़ में नक्सली नेता हिड़मा के मारे जाने की खबर सामने आई, लेकिन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर हिड़मा पुलिस के टारगेट से बचकर निकल गया। खूंखार माओवादी कमांडर हिड़मा जिंदा है, इसकी पुष्टि खुद नक्सलियों के PKASR डिवीजन कमेटी के सचिव आजाद ने की है। आजाद ने तेलुगु भाषा में प्रेस नोट जारी किया है। नक्सली लीडर आजाद ने कहा, फोर्स ने PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पर हवाई बमबारी भी की है, कई गांवों में बम भी गिराए। हालांकि फोर्स की इस कार्रवाई से माओवादी पार्टी और आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आजाद का कहना है कि हवाई हमले में नक्सल संगठन ने भी फोर्स को करारा जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के हवाई हमले के इन आरोपों के बाद बस्तर के IG सुंदरराज पी ने इसे फोर्स को बदनाम करने की नक्सलियों की साजिश बताया। IG ने कहा, बस्तर में माओवादियों की ताकत अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, उनके पैरों से जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। प्रतिबंधित गैर कानूनी CPO माओवादी संगठन के दक्षिण बस्तर डिवीजन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सुरक्षा बल के ऊपर इस प्रकार के आरोप लाए गए थे। पूर्व में भी माओवादी द्वारा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का एलिगेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर लाए गए थे, लेकिन कभी इस प्रकार का एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ और इस बार भी उनका ये प्रयास नजर आ रहा है। क्योंकि वास्तविकता ऐसा है कि विगत वर्षों में जिस तरीके से माओवादी संगठन का ताकत कम होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, अपना कैडर के मनोबल को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा इस प्रकार का प्रयास की जा रही है। और दूसरी ओर हम जो माओवादी का जो प्रेस विज्ञप्ति, वास्तव में उनके द्वारा जारी की गई नहीं या किसी प्रकार का कोई इसमें भी साजिश है, उसका जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे जांच होगा उसका स्थिति स्पष्ट होने का उम्मीद है। बल्कि घटनाक्रम के संबंध में CRPF द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके स्थिति को स्पष्ट की गई थी। दक्षिण बस्तर एवं तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में फोर्स मूवमेंट के दौरान जो माओवादी द्वारा फोर्सेस के ऊपर अटैक किए गए थे, उसका जवाबी कार्रवाई फोर्सेस द्वारा भी की गई थे। इन सब पूर्ण घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा बल के किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई सभी हमारा सुरक्षा बल साथी सुरक्षित है। दूसरी ओर माओवादियों के इसमें क्या कुछ नुकसान है, ये जांच के विषय है। उसके लिए आसपास क्षेत्र में लगातार अभी सर्चिंग अभियान जारी है और अन्य सूत्र से भी पतासाजी की जा रही है। वास्तव में माओवादियों को किस प्रकार के यदि कोई नुकसान है क्या नहीं, इन सब संबंधित जानकारी हासिल की जा रही है। थोड़ी समय पश्चात इसका स्थिति स्पष्ट हो सकता है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है मांडवी हिड़मा। बस्तर के पूर्ववर्ती गांव में रहने वाला मांडवी हिड़मा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उस समय इलाके में सक्रिय नक्सली ने हिड़मा की एक्टिविटी देखकर उसे नक्सलियों के बाल संगम में भर्ती किया। हिड़मा की आगे की पढ़ाई नक्सली स्कूल में ही पूरी हुई। हिड़मा के फुर्तीलेपन को देखते हुए नक्सलियों ने हिड़मा को अपने LOS ग्रुप में शामिल कर लिया। बीते कई सालों में हिड़मा की बनाई गई योजना में माओवादियों को कई सफलताएं भी मिली। नक्सली कमांडर हिड़मा नारायणपुर, बीजापुर, गढ़चिरौली में कई सालों तक सक्रिय रहा। फिर बड़े लीडरों ने कोंटा एरिया कमेटी के ज्वाइंट प्लेटून का कमांडर बनाया। वहीं 2007 से लेकर 2021 तक इसने कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही वर्तमान में ये नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन नंबर 1 का कमांडर और DKSZC का भी मेंबर है। नक्सली कमांडर हिड़मा पर 25 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। Thank you.